Welcome to WeLearn Networks. This is session number 7 of the topic Secondary Storage Techniques and you are studying subject Computer Organization and Assembly Language Programming. Today we will cover the following topics Secondary Storage System, Hard Drives, Characteristics, Drive Speed, Access Time, Rotation Speed, Partitioning and Formatting, FAT and INODE, Drive Cache, Hard drive interface like IDE, SCSI, EIDE, Ultra DMA, and ATA/66. Removable drives like floppy, floppy drives, CD-ROM, and DVD-ROM. Removable of storage options like Zip, ZAS, and other cartridge drives. Recordable CDs and DVDs. CD.

वो कुछ ही कैपेसिटी की होती है कुछ ही एम या जी की होती हैं जो कि कुछ टाइम पीरियड के बाद में फुल हो जाती हैं या फिर जब हमारा सिस्टम फेलियर होता है या फिर पावर फेलियर होता है तो जो भी इनके अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है वो लॉस हो जाता है इसे हम वो कहते हैं द सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम मस्ट अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटीज़ लो कॉस्ट बिट एंड मीडियम एक्सेस टाइम जो सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम्स होते हैं वो हमारी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटीज़ को को इनबिल्ट करते हैं और ये बहुत कम कॉस्ट पे आते हैं और एक्सेस टाइम भी जो इनका होता है वो मीडियम होता है करंट मैग्नेटिक डेटा स्टोरेज डिवाइसेस टेक द फॉर्म ऑफ फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क जो हमारी करंट मैग्नेटिक डेटा स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो होते हैं फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क मीन्स जो इनके अंदर मटेरियल होता है वो मैग्नेटिक होता है और ये मैग्नेटिक डेटा स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं कुछ हमारे पास में ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस भी होते हैं जो हाइस स्टोरेज डेंसिटी देते हैं लो कॉस्ट पे जैसे कि सी डी रोम कैन बी यूज एज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस हार्ड ड्राइव्स द दीज डिस्क नॉर्मली माउंटेड ऑन डिस्क ड्राइव दैट कंसिस्ट ऑफ एन आर्म एंड अ शाफ्ट अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी फॉर रीड राइट ऑफ डेटा ये जो डिस्क होती है वो माउंट होती हैं एक डिस्क ड्राइव पर जो कंसिस्ट होती हैं एक आर्म की और एक शाफ्ट की जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्रोवाइड करता है डेटा के रीड और राइट के लिए द डिस्क रोटेट अलॉन्ग विद द शाफ्ट जो हमारी डिस्क होती है वो शाफ्ट के अलोंग रोटेट करती है हार्ड ड्राइव्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स हार्ड ड्राइव के ये फीचर्स होते हैं पहला होता है द डिस्क एंड रीड राइट हैड आर एनक्लोज इन अ सील्ड एयर टाइट यूनिट जो हमारी डिस्क और रीड राइट हैड होते हैं वो एक एयर टाइट यूनिट में सील्ड होते हैं दूसरा अ डिस्क स्पिन एट हाई स्पीड वन सच स्पीड में भी टू सेवन टू जीरो ज़ीरो रेवोल्यूशन्स पर मिनट जो हमारी डिस्क का स्पिन है वो सेवन टू ज़ीरो जीरो पर मिनट भी हो सकता है द रीड राइड हेड डो नॉट एक्चुअली टच द डिस्क सर्फेस जो हमारे रीड राइड हेड होता है वो डिस्क की सरफेस को टच नहीं करता चौथा होता है द डिस्क सरफेस कंटेंस अ मैग्नेटिक कोटिंग जो हमारी डिस्क की सरफेस होती है वो मैगनेटिक मटीरियल की बनी होती है और उससे कोटिड होती है द डाटा ऑन डिस्क सरफेस या फिर प्लेटर आर अरेंजड इन सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स कॉल ट्रैक्स एंड सब डिवाइडेड इन टू सेक्टर्स जो हमारा डेटा होता है डिस्क पे वो अरेंज होता है कॉन्सेंट्रिक रिंग कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में जिसे हम ट्रैक्स कहते हैं और ये जो ट्रैक्स होते हैं वो सब डिवाइडेड होते हैं इन टू सेक्टर्स द स्मॉलेस्ट यूनिट डेट कैन बी रिटर्न टू और रीड फ्रॉम द डिस्क इज़ अ सेक्टर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो हमारी सेक्टर होती है जिससे हम डेटा रीड करते हैं या फिर उस पर राइट करते हैं डायग्राम शो कर रहा है एक हार्ड ड्राइव को जो शो कर रहा है जिसकी केसिंग खुली हुई है जैसे कि हमारे हमने बताया था एक सिलेंडर होता है और एक केसिंग होती है जहाँ जिसमें हमारे सारे ऑब्जेक्ट होते हैं एक एक्यूरेटर होता है एक एक्सिस होती है एक आर्म होती है ये सारी चीज़ें मिलके एक प्लेटर्स को बहुत सारी प्लेटर्स को इंटरफेयर करती हैं हार्ड ड्राइव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इन चीज़ों से देखते हैं ड्राइव स्पीड एक्सेस टाइम और उसकी रोटेशन स्पीड जो हमारे ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं वो जो हमारी डिस्क होती है वो बहुत सारी कंसेंट्रिक रिंग्स में डिवाइडेड होती है उसे हम ट्रैक कहते हैं अ ट्रैक इज वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द डिस्क द रीड राइट हेड और जो रीड राइट हेड के नीचे जो हमारा ट्रैक होता है वो एक कंप्लीट रोटेशन होती है एक प्लेटर की ईच ट्रैक इज सब डिवाइडेड इन टू नंबर ऑफ सेक्टर्स हर जो जो हमारा ट्रैक होता है वो बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइडेड होता है बैड ब्लॉक्स द ड्राइव मेंटेन्स एन इंटरनल टेबल विच होल्ड द सेक्टर और ट्रैक्स विच कैन नॉट बी रीड और रिटर्न टू बिकॉज ऑफ सर्फिस इम्परफेक्शंस मीन्स जो हमारा ड्राइव होता है वो एक इंटरनल टेबल मेंटेन करता है उन ट्रैक्स और सेक्टर्स के लिए जिन जो बहुत ही बेकार हैं डेटा की स्टोरेज के लिए क्योंकि जो उनकी सरफेस की इन परफेक्शन की वजह से सेक्टर इंटरलीव दिस रेफर्स टू द नंबरिंग ऑफ सेक्टर्स लोकेटेड इन अ ट्रैक ये ये रेफर करता है उन सेगमेंट्स के नंबर को जो कि ट्रैक्स पे लोकेटेड होते हैं ड्राइव स्पीड द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इन और आउट ऑफ द मेमरी इन अ सेकेंड इस टर्म्ड एज डिस्क ड्राइव स्पीड और डेटा ट्रांसफर रेट जो हमारा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हम एक सेकेंड में गैदर या दे सकते हैं एक ड्राइव को उसे हम ड्राइव स्पीड या डेटा ट्रांसफर रेट कहते हैं द स्पीड ऑफ डेटा डिस्क ड्राइव कैन डिपेंड ऑन टू आस्पेक्ट दैट इज़ बैंडविथ एंड एसेस लेटेंसी जो हमारी ड्राइव की स्पीड है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है पहली होती है बैंडविथ और दूसरी होती है एक्सेस लेटेंसी मींस जो बैंडविथ होती है हमारी वो होती है एवरेज डेटा रेट ड्यूरिंग अ लार्ज ट्रांसफ़र जो हमारी बैंडविथ होती है वो एवरेज डेटा रेट होती है बहुत बड़ी फाइल के ट्रांसफर के लिए और एसेस लेटेंसी होती है हमारी अ डिस्क एस एस सिंपली मूव द आम टू सेलेक्टेड सिलेंडर एंड वेट्स फॉर द रोटेशनल लेटेंसी जो हमारी एसेस लेटेंसी होती है वो ये होती है कि आम हमारी सिलेंडर के सेलेक्टेड पोर्शन में कितनी देर में पहुँच रही है रोटेशन स्पीड ये रेफर करती है स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ डिस्क को एक हार्ड डिस्क की रोटेशन स्पीड कम से कम सेवन टू जीरो जीरो आर पी एम होती है एक्सेस टाइम जो हमारा एक्सेस टाइम होता है वो होता है टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन द रिक्वेस्ट मेड फॉर अ रीड और राइट ऑपरेशन एक्सेस टाइम वो टाइम होता है जहां पे एक रिक्वेस्ट को रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने में कितना टाइम लग रहा है सीक टाइम एंड लेटेंसी टाइम ये दो मेजर कॉम्पोनेट होते हैं एक्सेस टाइम के जहां पे सीक टाइम इज द टाइम फॉर डिस्क आर्म टू मूव द हेड टू सिलेंडर कंटेनिंग द डिजायर्ड सेक्टर ये जो सीक टाइम होता है वो वो टाइम होता है जहाँ पे डिस्क के आर्म को हेड तक मूव करने में कितना टाइम लग रहा है किसी डिजायर्ड सेक्टर के लिए और जो लेटेंसी टाइम होता है वो होता है एडिशनल टाइम वेटिंग फॉर द डिस्क टू रोटेट एंड द डिजायर्ड सेक्टर टू द डिस्क हेड लेटेंसी टाइम वो एडिशनल टाइम होता है जहाँ पे डिस्क को वेट करना होता है किसी डिजायर्ड सेक्टर से डिस्क हेड की इंफॉर्मेशन को पहुँचने के लिए पार्टीशनिंग एंड फॉर्मेटिंग फैट एंड आई नोट अ डिस्क पार्टीशन इज़ अ सब डिविजन ऑफ डिस्क इन टू वन और मोर एरियाज हम अपने डिस्क को एक डिस्क के मेमरी स्पेस को बहुत सारे पार्टीशनिंग में डिवाइड कर सकते हैं ईच पार्टीशन कैन बी यूज टू होल्ड अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम और हर जो पार्ट है या फिर हर जो पार्टीशनिंग है हम उसको एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को होल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं द कम्प्यूटर सिस्टम बूट्स फ्राम द एक्टिव पार्टीशन एंड सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड अलाउज़ द यूज़र टू सेलेक्ट विच पार्टीशन इज़ द एक्टिव वन जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो बूट करता है एक्टिव पार्टीशनिंग को और जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है यूज़र को ताकि वो पार्टीशन में काम कर सके द लो लेवल फॉर्मेटिंग इज प्लेसिंग ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इंफॉर्मेशन प्लस बैड ब्लॉक टेबल्स एंड अदर टाइमिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द डिस्क जो लो लेवल फॉर्मेटिंग होती है वो ये होती है कि ट्रैक्स को और सेक्टर की इंफॉर्मेशन को प्लस जो बैड ब्लॉक्स की टेबल है उनको एक टाइमिंग इंफॉर्मेशन के साथ डिस्क में डाले फैट एंड आई नोड द फैट मैप्स द यूसेज ऑफ डेटा स्पेस ऑफ द डिस्क फैब फैट जो होता है वो हमारी मैप करता है डेटा यूजर्स को किसी डिस्क के स्पेस पे इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेस यूज बाय ईच इंडिविजुअल फ़ाइल द अनयूज डिस्क स्पेस एंड द स्पेस डेट इज़ यूज अनयूजूएबल ड्यू टू डिफेक्ट्स इन द डिस्क जो हमारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है स्पेस वो यूज़ करी जाती है इंडिविजुअल फ़ाइल के लिए और जो अनयूज डिस्क स्पेस होता है और जो स्पेस होता है जो अनयूजेबल होता है उसको डिफेक्ट के लिए हम बैड ब्लॉक्स में डाल देते हैं फैट एंट्री कैन कंटेन एनी वन एनी ऑफ द फॉलोइंग जो हमारी फैट है वो इन एंट्रीज में से कुछ यूज करती है जैसे कि अनयूज क्लस्टर रिजर्व क्लस्टर बैड क्लस्टर लास्ट क्लस्टर इन द फाइल नेक्स्ट क्लस्टर नंबर इन द फाइल द डॉस फाइल सिस्टम मेंटेन्स टेबल ऑफ पॉइंटर्स कॉल्ड फैट विच कंसिस्ट ऑफ एन एरे ऑफ 16 बिट वैल्यूज जो हमारा डॉस फाइल सिस्टम होता है वो एक टेबल ऑफ पॉइंटर्स को कंटेन करता है जो कि बनी होती है 16 बिट वैल्यू के एरे से देअर इज वन एंट्री इन द फैट फॉर ईच कलर इन द फाइल एरिया और हर एंट्री के लिए फैट बना होता है हर क्लस्टर के फाइल एरिया के लिए लिमिटेशन ऑफ फैट द डॉस डिजाइनर डिसाइडेड टू यूज क्लस्टर्स विद एटलीस्ट फोर सेक्टर्स इन टर्म फॉर ऑल फैट सिक्सटीन हार्ड डिस्क जो हमारा डॉस डिजाइनर है उसने डिसाइड किया कि क्लस्टर्स को यूज करेंगे एटलीस्ट चार सेक्टर्स के लिए फॉर ऑल सिक्सटीन हार्ड डिस्क हार्ड ड्राइव के नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइव कैशे डिस्क कैशे में बी अ पोर्शन ऑफ रैम समटाइम्स कॉल्ड सॉफ्ट डिस्क कैशे दैट इज़ यूज टू स्पीड अप द एक्सेस टाइम ऑन अ डिस्क डिस्क कैशे वो पोर्शन होता है रैम पे जिसको हम यूज करते हैं डिस्क के एक्सेस टाइम को स्पीड अप करने के लिए इसे हम सॉफ्ट डिस्क कैशे भी कहते हैं द डिस्क कैशिंग टेक्निक कैन बी यूज टू स्पीड अप द परफॉर्मेंस ऑफ द डिस्क ड्राइव सिस्टम जो डिस्क की कैशिंग टेक्निक होती है वो यूज़ करते हैं हम सिस्टम की की परफॉर्मेंस को स्पीड अप करने के लिए जो इसका मेन डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि सिस्टम यूजिंग डिस्क कैशिंग इज रिस्किंग लॉस ऑफ अपडेटेड इंफॉर्मेशन इन द इवेंट ऑफ मशीन फेलियर सच एज लॉस ऑफ पावर जो हम मेन डिसएडवांटेज होता है सिस्टम का इस सिस्टम का वो ये होता है कि जब हमारा सिस्टम अपडेट हो रहा है इन्फॉर्मेशन को तो उसके चांसेस होते हैं कि वो लॉस हो जाए अगर कोई मशीन फेलियर हो रहा है जैसे कि पावर फेलियर हार्ड ड्राइव इंटरफेस आई डी ई एस सी एस आई आई ई आई डी ई अल्ट्रा डी एम एंड ए टी ए सिक्सटी सिक्स secondary storage devices need a controller to act as an intermediary between the device and the rest of the computer system जो secondary storage devices होते हैं उनके लिए एक controller की ज़रूरत होती है जो एक intermediate की तरह काम करता है devices और computer system के बीच The commonly used drive interface standards are और वो जो drive interfaces होते हैं उनके कुछ standards होते हैं जैसे कि IDE, मीन्स इंटीग्रेटेड डिस्क इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द कंट्रोलर इज़ असम इज एम्बेडिड ऑन द डिस्क ड्राइव इट सेल्फ जो कंट्रोलर होता है वो डिस्क ड्राइव में ही एम्बेड होता है इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द डिस्कट्रोलर एंड एन अडाप्टर लोकेट ऑन द मदर बोर्ड जो इंटरफेस होता है डिस्क कंट्रोलर के बीच में और अडाप्टर के बीच में वो मदरबोर्ड पर लोकेटड होता है एस सी एस आई मीन्स मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस द अदर पॉपुलर वे इज़ टू अटैच अ डिस्क ड्राइव टू अ पी सी वाया अस सी एस आई इंटरफेस ये एक दूसरा तरीका होता है जहाँ पे हम डिस्क ड्राइव और पी सी को एक एस सी एस आई इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं SCSI is an interesting and important variation of the separate device controller idea for each device. It uses a generic device controller on the computer system and allows any device with an SCSI interface to be directly connected to the SCSI bus of the SCSI controller. Next is EIDE, means Enhanced IDE the principle behind eide interface is same as in the ide interface but this drive has capacity ranging from 10.2 gigabits to 20.5 gigabits ultra dma or ata slash 33 the ata standards is formal specification for how ide and eide interfaces are supposed to work with the hard drives. The ATE33 enables up to 33.3 .3 million bytes of data to be transferred each second, hence the name ATA33. ATA66 The ATA66 enables up to 66.7 million byte of data to be transferred each second, hence the name ATA66, doubles the ATA33.

bytes slash sector into sector slash track into speed in RPM upon 60. Typical values of IBM slash PC compatibilities uh, are size if the size of disk is 5.225. तो उसकी जो कैपेसिटी होगी वो होगी 360 सिक्स जीरो किलोबिट्स की उसमें 40 ट्रैक्स होंगे और 9 सेक्टर्स होंगे ऐसी फॉर 3.5 साइज की जो हमारे पास में फ्लॉपी डिस्क होगी उसमें जो कैपेसिटी होगी वो 720 टू के बी होगी इसमें भी 40 ट्रैक्स और 18 सेक्टर्स होंगे सी डी रोम्स एंड डी वी डी रोम्स द एडवेंट ऑफ द कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो सिस्टम अ नॉन इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क पेव द वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू लो कॉस्ट स्टोरेज टेक्नोलॉजी इन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस द इंफॉर्मेशन इज रिटर्न यूजिंग अ लेजर बेम यहां पर हम एक लेजर बीम यूज करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को राइट करने के लिए एक सी डी पे सी डी रोम द डिस्क यूज फॉर डेटा स्टोरेज इन डिजिटल कम्प्यूटर्स आर नोन एज सी डी रोम जो डिस्क यूज करते हैं हम डेटा स्टोरेज के लिए किसी डिजिटल कंप्यूटर में हम उसे सी डी रोम कहते हैं जिसका डायामीटर फाइव पॉइंट टू फाइव इंचज होता है इट कैन स्टोर अराउंड सिक्स फाइव जीरो एम बी ऑफ इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इन सी डी रोम इज रिटर्न बाय क्रिएटिंग पिट्स ऑन द डिस्क सरफेस बाई शाइनिंग अ लेजर बीम जो हम इंफॉर्मेशन होती है हमारी सी डी रोम्स पर हम उसे एक लेजर बीम के थ्रू लिखते हैं किसी डिस्क सरफेस पे और वो एक पेट बना देती है एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए इसके एडवांटेजेस होते हैं लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी दूसरा होता है मास रेप्लीकेशन इज इनएक्सपेंसिव एंड फास्ट इसका जो अगर हमें मास रेप्लीकेशन करना है मीन्स इसकी बहुत सारी कॉपीज बनानी है तो वो भी इनएक्सपेंसिव होती है और बहुत ही फास्ट होती हैं दीज आर रिमूवेबल डिस्क दर्ज दे आर सुटेबल फॉर आर्चिवल स्टोरेज ये रिमूवेबल डिस्क होती हैं और ये सुटेबल होती हैं आर्चिवल स्टोरेज के लिए इसका डिसएडवांटेज होता है क्योंकि ये रीड ओनली होती है इसलिए हम इसे अपडेट नहीं कर सकते एक्सेस टाइम जो इसका होता है वो मैग्नेटिक डिस्क के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है और तीसरा होता है कि ये बहुत स्लो होती हैं एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क डीवीडी रोम्स यूज द सेम प्रिंसिपल एस सी डी रोम्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग ये भी वही टेक्निक यूज करती हैं ऑफ़ लेजर बीम्स ताकि वो इंफॉर्मेशन को रीड कर सके या राइट कर सके। हाउ एवर अ स्मॉलर वेव लेंथ लेजर बीम इज़ यूज जो लेजर बीम की वेव लेंथ है वो कम होती है द टोटल कैपेसिटी ऑफ डी वी डी रोम इज़ एट पॉइंट फाइव जी बी और जो टोटल कैपेसिटी होती है डी डी रोम की वो होती है एट पॉइंट फाइव जी बी एडवांटेजेज ऑफ हैविंग सी ए वी इज दैट इंडिविजुअल ब्लॉक्स ऑफ डेटा कैन बी एक्सेस्ड एट सेमी रैंडम मोड जो हमारी एडवांटेज होता है डीवीडी रोम को यूज करने का विद सी ए वी फीचर वो ये होता है कि हम एक इंडिविजुअल ब्लॉक को रैंडम बेस पे एक्सेस कर सकते हैं जो डिसएडवांटेज होता है सी ए वी होने का वो ये होता है कि अलॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस इज वेस्ट जो हमारा स्टोरेज स्पेस होता है वो बहुत सारा वेस्ट हो जाता है सिंस द लॉन्गर आउटर ट्रैक्स आर स्टोरिंग द डेटा ओनली इक्वल टू डेट ऑफ द शॉर्टेस्ट इनर मोस्ट ट्रैक ज़िप, जेज एंड अदर कार्ट्रिज ड्राइव्स जो हमारी जिप ड्राइव होती है वो एक स्पेशल हाई कैपेसिटी डिस्क ड्राइव होती है जो यूज करती है 3.5 पॉइंट फाइव डिस्क विच कैन स्टोर हंड्रेड ऑफ डेटा को यह अलाउ करती है एक इजी और रैपिड शिफ्ट ऑफ डेटा फ्रॉम डेस्कटॉप टू लैपटॉप जेज ड्राइव पॉपुलर ड्राइव विद टू जी बी एंड अनलीस्ट द क्रिएटिविटी ऑफ प्रोफेशनल्स इन द ग्राफिक डिजाइन एंड पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थ्री डी कैट कैम्प Cartridge drives. A cartridge is a protective case or covering used to hold a disk, magnetic tape, a printer ribbon, or toner. Disk cartridges. The cartridges normally contains one or two platters enclosed in a hard plastic case that is inserted into the disk drive, much like a music tape cassette. Quarter-inch cartridge tapes. These tapes cartridges record information serially in a track with one head. When the end of the tape is reached, the tape is rewound and data is recorded on the next track. The table shows the capacity, transfer rate, read/write head, and main applications of tape drive. Like QIC deck TZ ten, have a capacity of five to five MB, or its data transfer rate is two forty KBPS. उसका रीड और राइट स्पीड होती है 120 ट्वेंटी के बी पी एस और जो मेन एप्लीकेशन होती है वो उसकी होती है बैकअप एंड आर्चिविंग और जो बाकी टेबल में वैल्यूज़ दिए हैं वो भी बैकअप और आर्चिविंग के लिए यूज़ होती है रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेबल सीडीज एंड डीवीडीज जो हमारी रिकॉर्डेबल सीडीज और डीवीडीज होती हैं वो होती हैं द ऑप्टिकल डिस्क बिकम्स एन एट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव फॉर बैकिंग अप इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हार्ड डिस्क ड्राइव्स एंड यूजिस लार्ज नेक्स्ट ऑडियो एंड वीडियो डेटा जो हमारी ऑप्टिकल डिस्क होती हैं वो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बन जाती है इंफॉर्मेशन को बैकअप करने के लिए चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो ऑडियो फाइल्स हों या वीडियो फाइल्स हों बहुत ही लार्ज लेंथ की द एडवेंट ऑफ सी डी रोम रीड एंड डी वी डी रोम हैज़ ब्रोकन द मोनोपली ऑफ टेप्स फ्राम बैकिंग अप फाइल्स फ्राम हार्ड डिस्क विद अ नॉर्मल स्टोरेज कैपेसिटीज इन जी बी रेंज सी डी राइटेबल एंड री राइटेबल वर्सिस सी डी री राइटेबल अ सी डी रीडेबल डिस्क लुक लाइक अ सी डी ये एक सी डी की तरह ही दिखती है ऑल दो ऑल प्रेस्ड सी डीज आर सिल्वर सी डी रीडेबल डिस्क आर गोल्ड और सिल्वर on their label side and a deep green or cyan on the recordable side. CD rewritable is relatively new technology, but it has been gaining market share quite rapidly. ये जो हमारी CD re-writable होती है, इसको हम बहुत बार read भी कर सकते हैं और इसकी जो information है, हम उसको update भी कर सकते हैं. The drives cost little more than CD readable. ड्राइव्स बिकॉज दे कैन बी यूज टू प्ले ऑडियो सी डीज एंड सी डी रोम्स एज वेल एज प्लेइंग एंड रिकॉर्डिंग सी डी रीराइटेबल डिस्क टैप बेकअप यूज फॉर द फॉलोइंग परपजिज हम टेप बेकअप को इन परपज के लिए यूज करते हैं पहला होता है बैकिंग अप डेटा स्टोरेज इन डिस्क दूसरा होता है स्टोरिंग प्रोसेस्ड डेटा फॉर फ्यूचर यूज Program and data interchange in organization. Digital audio tape means that it, is, it uses a 4mm tape enclosed in a cartridge. It uses a helical scan, read after write recording technique, which provides reliable, reliable data recording. Do it yourself. What is the difference between CD readable and CD rewritable? Compare and contrast the difference between CD-ROM and DVD-ROM. Thank you for this session.